वेलकम टू द फोर्थ पार्ट ऑफ गंगा सतलुज एक्सप्रेस जर्नी। और इस पार्ट में हम जर्नी करने वाले हैं वाराणसी जंक्शन से लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक। वाराणसी के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, पिछले पार्ट में बताया था कि इसका स्टेशन कोड है BSB। ये लखनऊ डिवीजन में आता है जो नॉर्दर्न रेलवे की एक डिवीजन है। और यहाँ पर टोटल 186 ट्रेन होल्ड करती थी, 42 ट्रेन यहाँ पर टर्मिनेट होती है, 42 ट्रेन यहाँ पर ओरिजिन होती थी COVID-19 से पहले। बट फिलहाल यहाँ पर 60 ट्रेन आकर के होल्ड कर रही है। और गाइस हमारे सामने गाड़ी खड़ी है, हम अराइव हो चुके हैं और जो अनाउंसमेंट हो रहा है वो अराइविंग का हो रहा है कि अराइव होने वाली है। तो मतलब काफी ज्यादा एक अजीब सा लगा मुझे ये देख के। गाइस हमारी जो ट्रेन है वो प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर अराइव हुई है और मैं इस समय प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर चल रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लोकमान्य तिलक टर्मिनल से मुंबई से और वाराणसी आने के जो ट्रेन है मेरे बराबर में खड़ी है, यह है कामायनी एक्सप्रेस 01071 इसका नंबर है। ये प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर खड़ी है, हो सकता है यहीं से ऑपरेट की जाए, यहीं से इसको चलाया जाए। वाराणसी भारत की सांस्कृतिक राजधानी है और बहुत सारे लोग देश विदेश से इस राजधानी को घूमने आते हैं। गंगा के पवित्र तट पर बसी ये नगरी बहुत ही सुंदर है देखने में। हालांकि हमने इसको एक्सप्लोर किया हुआ है पहले कभी, बट अभी मैंने इसकी वीडियोज़ वगैरह पोस्ट नहीं की। बट फ्यूचर में मैं बहुत जल्दी आपको ब्लॉग्स वाले चैनल पर अपने इसके जो दर्शन है, काशी विश्वनाथ के दर्शन है, गंगा जी के घाट के दर्शन है, वो बहुत जल्दी कराऊंगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, लगभग एक साल के अंदर अंदर आपको वीडियोस मिल जाएंगे। वाराणसी जंक्शन के बारे में बात करें तो वाराणसी का जो कोड है वो BSB है। ये नॉर्दर्न रेलवे में आता है लखनऊ डिवीजन में। इसको जंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन जाती है प्रयागराज के लिए, एक लाइन जाती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन के लिए और एक तीन लाइन जाती है लखनऊ के लिए। एक जिससे हम आए हैं वाया फैजाबाद होकर के, वाया बाराबंकी फैजाबाद और रास्ते में अकबरपुर वगैरह पड़े थे। इसके बाद एक लाइन जाती है डायरेक्ट सुल्तानपुर और निहालगढ़ होते हुए वो लखनऊ पहुंच जाती है, उतरेटिया उसका जंक्शन पॉइंट है। और एक लाइन आती है जो प्रतापगढ़ और भदोही से होकर के जाती है, तब वो आपकी पहुंच जाती है लखनऊ की तरफ। तो ये कुछ इनके जो की पॉइंट्स हैं वो हैं। और बाकी हम बात करते हैं एनियर की कनेक्टिविटी की, वहाँ पर भी ट्रेन जाती है वाया ओडिहार होकर के मऊ की तरफ और वाया ओडिहार होकर के बलिया की तरफ। बात करें बनारस की तो ये फेमस क्यों है, बनारस की साड़ियाँ बहुत फेमस हैं, बनारस के घाट बहुत फेमस हैं, बनारस की गंगा बहुत फेमस है। और तो और बनारस में एक जगह है सारनाथ जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है। और सारनाथ में गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, इस वजह से बौद्ध लोगों के लिए वो एक अच्छा धार्मिक पॉइंट बन जाता है और देश विदेश से लोग जापान से, चाइना से वहाँ पर घूमने के लिए आते भी हैं। बनारस का बॉलीवुड की जो फिल्में हैं उनमें बहुत अच्छा रोल रहा है। बनारस की बहुत सारी शूटिंग्स आपको फिल्मों में देखने के लिए मिल रही हैं। बनारस का नाम आपको बहुत सारी फिल्मों में देखने के लिए मिला है। मसान फिल्म एक बहुत ही पॉपुलर फिल्म रही थी जो विक्की कौशल जी की डेब्यू फिल्म थी। उसकी पूरी शूटिंग जो हुई थी, उसकी जो पूरी शूटिंग थी वो बनारस में हुई थी और उसकी जो पूरी पटकथा है वो बनारस से ही बिलोंग करती है। पर कई सारी फिल्म, 100 से ऊपर फिल्में आपको मिल जाएंगी जो इसमें बनारस का जिक्र होता ही होता है। इंडिया में बनारस को बहुत ज़्यादा पुरानी सिटी माना जाता है, मतलब मोस्ट एंशिएंट सिटी भी आप इसको बोल सकते हैं इंडिया के अंदर। इसमें काशी विश्वनाथ का मंदिर है जो कि आप समझ सकते हैं कि ज्योतिर्लिंगों में से एक है, 12 ज्योतिर्लिंग में एक है, जहाँ से उसको देखने के लिए, उनके दर्शन के लिए लोग बहुत दूर दूर से ऑल ऑफ द इंडिया एंड ऑल ऑफ द वर्ल्ड वहाँ से भी लोग उनके दर्शन के लिए, बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए यहाँ पर पधारते हैं। और जो मोस्ट इम्प्रेसिव थिंग मुझे लगी उस स्टेशन की वो है, अब तक हम इतनी दूर से सफर करते हुए आ रहे हैं, लखनऊ पे भी इतनी सफाई नहीं थी जितनी यहाँ पर सफाई है। आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं कि मतलब आपको जरा सा भी कूड़ा, जरा सा भी कहीं कुछ भी फेंका हुआ चीज, छिलके वगैरह, पन्नी वगैरह नहीं दिख रही है। बहुत ज़्यादा सफाई के स्टेशन पर मुझे देखने को मिली जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये देख करके। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बता दी है बनारस जंक्शन के बारे में। और अब हम चलते हैं DDU की तरफ और देखते हैं अपनी 3307 का 08 का डिपार्चर बनारस से, और चलते हैं DDU की तरफ, दिखाता हूँ आपको इसका डिपार्चर।
गाइस अभी हम स्किप कर रहे हैं काशी स्टेशन को, और इस लॉकडाउन से पहले यानी कि लॉकडाउन में जो ट्रेन स्पेशल नंबर के साथ चल रही हैं, इससे पहले इस ट्रेन का काशी पर स्टॉप था, बट फिलहाल ये रिड्यूस्ड स्टॉप्स के साथ में चल रही है, तो काशी को स्किप करते हुए निकल रही है। और ये हमारी गंगा माता सेट हो गई। ये नज़ारा अगर दिन में होता तो कितना शानदार होता। घाट ही घाट दिख रहे हैं दूर दूर तक। गाइस किसान आंदोलन की वजह से गंगा सतलुज इस समय फिरोजपुर कैंट से नहीं चल रही है, ये फिलहाल ओरिएंटेड हो रही है अंबाला कैंट से, और लखनऊ से वाराणसी के बीच में डाइवर्टेड है। इसके अलावा कोई भी फर्क नहीं आया है इस समय इसके नॉर्मल ऑपरेशन में। एवरीथिंग विल बी सेम और सब कुछ जैसा था वैसा ही चल रहा है इस समय। गाइस अगर मैं बात करूँ ट्रेन के जो कोच कंपोजिशन है उसकी, यहाँ पर आपको दो नियोजित कोच देखने के लिए मिलते हैं। एक आपको मिलता है यहाँ पर सेकंड एसी का कोच, और आपको दो मिलते हैं थर्ड एसी के कोच, बाकी जो सात है वो मिलती है सेकंड सीटिंग, और 10 कोच मिलते हैं आपको स्लीपर के। टोटल हमारी 22 कोच की ये ट्रेन बन जाती है और काफ़ी अच्छी स्पीड से चलती है। फिलहाल तो जो फिरोजपुर से और इनका जो स्पीड है ईडीयू तक वो रहती है 110 मैक्सिमम, और बाद में कुछ तक सिर्फ 100 किलोमीटर की पर आवर स्पीड है। लेकिन जो धनबाद है और उसके ईडीयू के बीच में जो इसकी स्पीड है मैक्सिमम 130 किलोमीटर प्रति घंटा की हो जाती है। तो अफसोस की बात है कि हम सिर्फ दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन तक ही सफर कर रहे हैं, उसके आगे हमें 130 की स्पीड देखने को मिलती बट वो उसमें नहीं मिल पाएगी, लेकिन हम संपूर्ण क्रांति में उसको एक्सपीरियंस कर लेंगे। तो ये ट्रेन टोटल 1580 किलोमीटर का सफर तय करती है। 50 हॉल्ट हैं इस ट्रेन के, तो 36 आवर्स एंड 45 मिनट में ये सफर तय करती है। तो लगभग 42 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड रहती है। दोनों तरफ से लगभग सेम ही है, बस 10 मिनट का फर्क आता है जब ये दूसरी तरफ से आती है, धनबाद से आती है फिरोजपुर की तरफ, तब ये सफर करती है पूरा तय अपना 36 घंटे 55 मिनट में। तो भाई इतना ही डिफरेंस रहता है और कोई डिफरेंस है नहीं। शाम को 4:10 पे ये ओरिजिनेट होती है फिरोजपुर से, और सुबह 5 लगभग 4:55 पे ये पहुंच जाती है धनबाद जंक्शन। और लौटते टाइम जब ट्रेन आती है धनबाद से तो आती है 21:50 पर ओरिजिनेट होती है वहां से, और फिरोजपुर पहुंच जाती है 10:45 पर सुबह सवेरे। ये ट्रेन 03307 और 03308 नंबर के सामने फिलहाल चल रही है, बट इससे पहले ये 13307 और 13308 के नाम से नंबर से ओरिजिनेट हो रही थी। और गाइस सामने आपको दिख रही होगी संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस जिससे हम जाने वाले हैं अभी, इससे उतर के हम उसमें शिफ्ट हो जाएंगे।
माई फर्स्ट अराइवल एट दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। जिंदगी में पहली बार मैं यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पहली बार आ रहा हूँ। अभी तक मैं नहीं आया हूँ, बट आने वाले टाइम में चलते रहेंगे। हमारे अब्रार वाले प्लेटफॉर्म से दुर्गा निकल चुकी है और सामने आपको LHB रेक्स वाले दुर्गा एक्सप्रेस निकलती हुई दिख रही होगी। गाइस हम DDO पर अराइव हो चुके हैं बिल्कुल एग्जैक्ट 9:26 पर। मैं स्टेशन की बात करूँ तो स्टेशन का कोड है DDU और ये जंक्शन है, जंक्शन पॉइंट है। यहाँ से कानपुर के लिए आपको लाइन मिल जाएगी, वाराणसी के लाइन मिल जाएगी और एक हावड़ा वाली मेन लाइन निकल जाती है और पटना जंक्शन के लिए भी यहाँ से लाइन चली जाती है और बक्सर के लिए भी एक लाइन यहाँ से जाती है, इसलिए इसको जंक्शन पॉइंट बोला जाता है। टोटल यहाँ पर 8 प्लेटफॉर्म्स हैं। 336 ट्रेन यहाँ पर होल्ड करती थी COVID-19 से पहले, बट फिलहाल यहाँ पर 106 ट्रेन आकर के होल्ड कर रही हैं। 15 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती थी और 14 ट्रेन यहाँ से टर्मिनेट होती थी। ये ईस्ट सेंट्रल रेलवे में आता है और मुगल सराय इसका पुराना नाम था, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन नया नाम है और ये खुद में एक डिवीजन भी है। इनकी जानकारी अब बात कर लेते हैं अपने इस जिस ट्रेन से हम आए हैं उसके फेयर्स की। सेकंड सीटिंग थर्ड एसी, सेकंड एसी और स्लीपर क्लास, चारों के मैं आपको यहाँ पर ट्रेन टिकट बताने वाला हूँ। फेयर की तो धनबाद से लेकर के फिरोजपुर तक का पूरा सफर 395 रुपए है सेकंड सीटिंग का और स्लीपर का है 645 रुपए। इसका फेयर है यहाँ पर 1720 रुपए और 2495 रुपए जो फेयर है वो आपको देखने के लिए मिलता है सेकंड एसी का। तो ये कंप्लीट ट्रेन की जर्नी थी, उम्मीद है कि आपको ये जर्नी पसंद आई होगी, ब्लॉग अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वंडरफुल ब्लॉग आपको हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। अगर आपको जर्नी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अब हम जर्नी करने वाले हैं, सामने खड़ी है संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, इसको हम एक्सप्लोर करेंगे आज मुगल सराय से लेकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से लेकर के नई दिल्ली तक। तो चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को भी, इस जर्नी को करते हैं बाय बाय। जय हिंद, टेक केयर, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट जर्नी के अंदर। जय हिंद।